टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 8:30 बज गए हैं और मैं घर की क्लीनिंग करने लगी हूँ, देख सकते हो आप। और मैंने बेडशीट हटा दिया, मैं ये न्यू वाली बेडशीट इस पर बिछा रही हूँ। और सुबह से मैं ना 7:30 पर उठ गई थी, सारे काम मैंने जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। और ये मैं ब्यूटीफुल सी जो मेरी नानी ने मुझे दी थी जब मैं नानी के घर गई थी, तो ये बेडशीट मैं अपने बेड पर बिछाने वाली हूँ। फिर दिखाती हूँ बिछाने के बाद कैसी लगती है ये। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो बेडशीट कितनी प्यारी है, सिल्क सैटन मिक्सेस में उसकी ये बेडशीट, और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरी नानी माँ की जो पसंद है बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी है, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर रखती हैं। और ओवरऑल ये लुक हो गया है, तो चलिए मैं अपनी क्लीनिंग कर लूँ जल्दी से पहले, और सारे काम है मुझे मॉर्निंग से ही। तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अच्छे से। मेरा घर अच्छे से सारा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो पूरा ही घर मैंने सब अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। सारे डोर मैट मैंने सब बिछा दिए हैं और पूरा घर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। जल्दी में हूँ अभी, और अभी जो टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, और मैं ये वाला आउटफिट वेयर करने वाली हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा। ये प्लाजो है एंड ये लॉन्ग शेरवानी पैटर्न का कुर्ता है ये। और क्योंकि अब जैसे कि विंटर आ गई है, तो जिसमें इनर होते हैं ना वो कपड़े मैं पहन लेती हूँ, वरना समर में तो मुझसे पॉसिबल होता नहीं है। तो ये कुर्ता है, इसका ब्लू एंड पिंक कलर का आउटफिट एंड पिंक कलर का प्लाजो ये वेयर। एंड ये है मेरी चूड़ियाँ बैंगल्स जो मैंने कल निकाल के रख दी थी, तो मुझे ये अभी बैंगल वेयर करनी है। तो चलिए शाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और मैंने ले लिए हैं, तो शुरू से ही काम का आगाज़ हो गया है मेरा, तो ये सारे लेके रख दिए हैं मैंने, 7 कैंपर ले लिए हैं, ज़रूरत होगी तो और मंगा लेंगे। मैंने सेटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर और भी अभी मेरे पास जितने मैट्रेस थे मैंने यहाँ डाल दिए हैं, अभी यहाँ पर और मंगाए हुए हैं, तो ये पूरे में यहाँ डलेंगे। और ये मेरा फ़ैन नीचे डला है, ये ख़राब हो गया था तो ये सुधर कर आया, तो मुझे ऊपर यहाँ पर इस रूम का है, तो सर्दियाँ पड़ गई तो इतना ज़्यादा वो हुआ ही नहीं, तो अभी ये ठीक होकर आया है तो उसको ऊपर लगाना है। हस्बैंड आएंगे तो वो लगाएंगे। और इस रूम में पूरे में गद्दे डालने हैं मुझे, क्योंकि यहीं पर सेटिंग अरेंजमेंट होगा। और चलो फिर ठीक है, थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ब्लॉग देखो मैं कितनी देर पहले से स्टार्ट कर दिया था, मैंने आज 8 बजे के बाद से ही ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट इंट्रो करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिकॉज़ अगर मैं ज़्यादा बातें आपसे उस टाइम करती बैठकर तो मेरे सारे काम नहीं हो पाते, और सब लोग आ जाते तो फिर काम नहीं हो पाता। तो अभी जो टाइम हो रहा है 10:45 बज रहे हैं, ठीक है। सारे घर के मैंने काम करके शाल लेकर रेडी होकर मैं बैठ गई हूँ, और अब जो खाना बनाने वाले हैं वो आएंगे। और जैसे कि आपको मैं बता दूँ, हम लोग 11वीं शरीफ की न्याज दिला रहे हैं, और मोर देन 100 लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है अपने घर पर, तो उसके लिए प्रिपरेशन होनी है, खाना बनेगा, तो सब घर में घर पर ही बुलाया है खाना बनाने वाले को, तो वो लोग भी अभी आते होंगे 12 बजे तक, या जितने बजे भी भाई लोगों ने बोला होगा तो वो आएंगे। हस्बैंड गए हैं मम्मी पापा को लेने के लिए घर से, और मैंने जल्दी जल्दी उनके जाने के बाद सारे काम कर लिए, खुद भी रेडी हो गई, और फिर सब आ जाते हैं ना तो क्लीनिंग नहीं हो पाती घर की, तो फुल मैं जल्दी से रात से ही, मुझे जब कुछ होता है ना सेकेंड डे तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था ये करना है, मॉर्निंग शूट के वो करना है, तो इस तरह का सीन था। और देखते हैं कौन कौन आता है मेरे घर से, मेरे नानी के घर से, सबको किसका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ, और देखते हैं कौन कौन आता है। और ये महीना ना बहुत ही अच्छा वाला महीना होता है, और सब लोगों के घरों में न्याज होती है, और सब लोग, हम लोगों को भी जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। इस मंथ में 11वीं शरीफ की न्याज पूरे 1 मंथ तक चलती है, तो होती रहती है, ठीक है। 11 तारीख को तो फातिहा दिला ली थी, बट उसके बाद जो दिन थे कि बड़ी तरीके से मतलब सबको बुलाना था, तो इस तरह से।
और आज पूरे दिन घर में रौनक लगी रहेगी, कोई ना कोई आता ही रहेगा। जोहर के टाइम के बाद, मतलब जोहर के टाइम फातिहा होगी, ठीक है, जो भी खाना बनेगा उसके ऊपर फातिहा होगी हम लोगों के, और उसके बाद खाना स्टार्ट होगा। तो फिर समझ लीजिए आप, जो इशा का टाइम होता है ना, मतलब 6:30-7 बजे के टाइम, 9 बजे तक लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा। तो आज ना बहुत अच्छा वाला दिन है, सुबह से ही बहुत अच्छा सा फील भी हो रहा था। और देखो सब लोग आने वाले हैं, भाभी अभी भी सब आने वाली हैं, भाभी और मम्मी पापा सब लोग आने वाले हैं एक एक करके। तो मैंने ये अपना रैंडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या वेयर कर लूँ क्या नहीं वेयर कर लूँ, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कल, ठीक है मैं बता दूँ। तो मुझे एक प्यारा सा ये वाला जो अपना सूट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने वो ही वेयर कर लिया है। प्रॉपर कानों में भी वेयर किया है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं वेयर करती हूँ डेली में। और आप देख सकते हो सब कुछ मैंने प्रॉपर अच्छी तरह से मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि भाई जब किसी को बुलाते हैं ना तो अच्छे से खुद को भी रेडी होना चाहिए ना। चलो तो फिर ठीक है, और अभी हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से सब लोग आ जाएं। हस्बैंड का कॉल आया था कि वो मम्मी को लेकर आ रहे हैं, और जो भी सामान बन रहा है तो उसको भी वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ला के रखना पड़ेगा यहाँ पर। और मेरा रूम बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बेडशीट माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। नानी भी मेरी आई हुई है, और नानी को, जब नानी ये देखेंगी ना कि मैंने ये बेडशीट अपने बेड, बड़ी खुश हो जाएंगी। क्योंकि हम जब किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो अगर हम उसका गिफ्ट यूज़ करते हैं तो उसे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो स्पेशली नानी मेरी आ गई थी, मम्मी के घर पर थी, वो एक दिन पहले आ गई थी, शाम में 5 बजे आ गई थी वो कल। और अभी वो मेरे घर पर नहीं आई है, मेरे यहाँ तो सब लोग दोपहर के टाइम या शाम तक ही आएंगे, मेरे यहाँ जो भी फैमिली मेम्बर है। अभी तो मैं, खैर कोई भी नहीं है घर में, अभी आ जाएंगे ना, फिर टाइम नहीं मिलने वाला दिन भर। तो सब कुछ कर लिया था मैंने, अब चलिए वेट करते हैं सबका कौन आ रहा है। और क्या, तो ये ना पीछे वाले कुशन का, ये पीछे वाले कुशन ना बार बार गिरते रहते हैं, मैं जितना भी इसको मैनेज करके। बहुत ही प्यारी वाली धूप आ गई है, तो आपको जो ठूका पीटी की आवाज़ मेरे घर में आती है बाहर से, तो यही घर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो यहीं पर मेरे घर के सामने घर बन रहा है एक नया, तो उन्हीं के घर में बहुत ज़्यादा ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आपको आती रहती होगी जैसे। और ये ना पोर्च एरिया सुबह ही मैंने क्लीन कर दिया था, तो यहाँ ये पोर्च एरिया है और यहाँ पर ही खाना बनेगा। तो उस मॉर्निंग में ही हम लोग ने यहाँ पर वॉश कर दिया था, धुलाई कर दी थी, और हस्बैंड ही करके चले गए थे, फिर मैंने तो घर के अंदर ही करी। तो इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर, और बाहर बहुत ही अच्छी सी धूप निकल रही है, और मैं सोच रही हूँ टेरेस पर चली जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी शार लिया है ना, और मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ। अच्छा लगता, बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो मैं स्लो स्लो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ और बाहर मैं स्लो ही बात करती हूँ। और इसी तरह से इंतज़ार कर रही हूँ, हस्बैंड कुछ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, तो वो लेते हुए आ रहे हैं। मम्मी रास्ते में है तो वो भी आने वाली है, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका बेसब्री के साथ कि जल्दी से वो आ जाए। तो मैंने यहाँ ड्राइंग रूम का गेट खोल दिया है, कर्टन डाल देती हूँ यहाँ पर। ये देखो मैंने कर्टन यहाँ से गेट खोल दिए हैं ड्राइंग रूम के। चलो अंदर चलते हैं, सारा अच्छे से क्लीन हो गया है पूरा ही मेरा घर। यहाँ से निकलेंगे डाइनिंग एरिया, देन यहाँ किचन, किचन भी पूरा क्लीन है। मॉर्निंग में मैंने 2 लीटर दूध मंगा लिया था, क्योंकि चाय बननी होगी बार बार, तो इसलिए। और अभी और भी हस्बैंड लेकर आ रहे हैं दूध, वो बोल रहे हैं कम पड़ेगा, तो मैंने कहा ओके लेकर आइए आप। और तो ये सारा मैंने क्लीन कर दिया है, और चलते हैं रूम में। और इसके बाद आई डोंट थिंक सो मैं आपसे पूरे दिन बात कर पाऊंगी, नहीं बात कर पाऊंगी मैं पूरे दिन ही आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर सब लोग आ जाएंगे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, और बात मैं आपसे फ्री होकर देखते हैं, टाइम मिलता है तो करते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं आपसे। ये दिया गया है मसाला अलग अलग पीसने के लिए, तो मैं ये मसाले पीस रही हूँ। दूध बॉईल कर दिया है, कुरान खानी होगी तो चाय बनाएंगे जो भी कुरान पढ़ने आएंगे। और ये सब हो गया खाना बनाने,
तो खाना बनाने वाले आ गए हैं और जो भी सामान है वो सब निकाल दिया है, और जो भी टेंट का सामान होता है पतीले एंड जग वगैरह और जो भी सामान है वो आने वाला है, ये मैं पीसने वाली हूँ। तो ये मुझे काम दे दिया गया है पीसने का, क्योंकि ये तो हम लोग को करना पड़ता है। प्याज वगैरह चॉप कर रहे हैं जो आए हैं बनाने के लिए। चलो मैं कर लेती हूँ ये काम। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कुरान खानी हो रही है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये फातिहा के लिए सामान निकाल दिया है, और यहाँ पर लड्डू पैक हो रहे हैं, ये सबको बांटेंगे। तो ये ही लड्डू हम लोग पैक कर रहे हैं, और फातिहा में जो जो सामान, 5 फल, 5 मिठाई और यहाँ अगरबत्ती जला दी हम लोगों ने, और यहाँ और भी सामान जो लगता है फातिहा में वो लगाया जाएगा। अभी यहाँ पर जो चिकन है वो लगेगा, देन रोटी भी हम लोग ने बनाई थी फातिहा के लिए अलग से, वो ही लगाई जाएगी। चिराग रोशन करेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो फुल कंप्लीट यहाँ पर आके हम लोग ने रख दिया है। ये है चिकन जिससे फातिहा होगी, और ये ज़रदा और बिरयानी रोटी बनाई है, तो यही और एक गिलास में पानी सब रख दिया। अब यहाँ पर टेबल और चेयर पोर्च एरिया में सफाई फिर से अगेन हो गई है, वहाँ लगाई जाएंगी। तो यही सब हो रहा है।